सो द नेक्स्ट इज़ इंटरमीटेंट डिजीज़ इंटरमीटेंट डिजीज़ इज स्टेटेड इन द फोरिज्म टू थर्टी वन टू टू फोर्टी फोर एज द नेम सजेस्ट वॉट द इंटरमीटेंट डिजीज इंटरमेट का मतलब ये होता है कि रुक रुक के वापस से जो डिजीज़ है वो आ रही है ठीक है सो इफ़ द डिज़ीज़ रिकरिंग एट द सर्टेन फिक्स पीरियड इट इज़ इंटरमिटेंट डिजीज़ अब हम देखें कि इसके टाइप्स कितने हैं तो इंटरमिटेंट डिजीज़ के जो टाइप्स हैं वो दो तरीके की होती है इंटरमिटेंट डिजीज़ इज़ ऑफ टू टाइप जो अल्टरनेटिंग डिजीज़ है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ अल्टरनेटिंग डिजीज़ जो है वो टू थर्टी वन टू टू थर्टी टू एफोरिज्म में है और जो इंटरमीटेंट डिजीज़ का दूसरा टाइप है दैट इज़ टिपिकल टिपिकल इज़ स्टेटेड इन द एफरिज़म टू थर्टी थ्री ओके अब टिपिकल होती क्या है टिपिकल इंटरमीटेंट डिज़ीज़ जो है वो आपको ऐसी डिज़ीज़ जहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो फिक्स हैं और वो बार बार फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस आ रहे हैं सपोज़ कोई पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है वन सेट ऑफ सिम्टम्स से ठीक है तो वही सेट ऑफ़ सिम्टम्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे और फिर सर्टेन फिक्सड इंटरवल के बाद वही सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर वापस आ जाएंगे सो so ये होता है टिपिकल टाइप ऑफ इंटरमिटेंट डिजीज़ यानी कि एक सेट ऑफ सिम्टम्स सपोज अ पेशेंट इज़ कंटिन्यूसली सफरिंग फ्रॉम दी हेडेक कुराइज़ा एंड वीकेंड से अबाउट द कोलिकॉल्सो ये एक सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा है देन ये सिम्टम्स जो हैं कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे फिर वापस से कुछ टाइम बाद और वह कुछ टाइम जो है वो भी फिक्सड होगा जैसे कि हमने अल्टरनेटिंग में देखा अल्टरनेटिंग में टाइम फिक्स नहीं था एक सेट ऑफ सिम्टम्स दूसरे सेट ऑफ सिम्टम्स से अल्टरनेट कर रहे थे अल्टरनेटिंग में लेकिन यहाँ पर एक सेट ऑफ सिम्टम्स जो हैं वही हैं और वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद वापस रिकर करेंगे ये डिफरेंस है टिपिकल इंटरमीडेंट डिजीज़ और अल्टरनेटिंग में ठीक है यहाँ पे दो सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं हैं और जो ड्यूरेशन है वो भी फिक्स है सपोज़ फिफ्टीन डेज़ का फिफ्टीन डेज हैं उसमें पेशेंट को आराम महसूस होता है उस समय उसको हेडेक भी नहीं होता को भी नहीं होता कोलिक भी नहीं होता लेकिन हर पंद्रह दिन बाद उसके बार बार ये कंडीशन अक्र कर रही है दैट इज़ द टिपिकल इंटरमीडियन डिज़ीज़ ओके टिपिकल इंटरमीडियन डिजीज़ भी दो तरीके की होती है एक तो होती है फेब्राइल और दूसरी होती है ए फेब्राइल सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ए फेब्राइल कंडीशन सो ए फेब्राइल या नॉन फेब्राइल इंटरमीडियन डिजीज़ है उसमें क्या होता है ये कि किसी एक पेशेंट में देखने को मिलेगी और क्रॉनिक डिजीज़ को बिलोंग करती है सोरिक ओरिजन की होती है ठीक है तो अगर सोरिक ओरिजन जहाँ पर आ गया तो एंटी सोरिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ठीक है जहाँ पे कभी कभी ये सिफिलिस से कॉम्प्लिकेट कर जाती है तो जहाँ पे सिफिलिस से कॉम्प्लिकेट कर गई तो वहाँ पे एंटी सिफिलिटिक ट्रीटमेंट चलेगा अब ट्रीटमेंट किस तरीके से चलेगा पहले एंटी सोरिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा फिर एंटी सिफिलिटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तो ट्रीटमेंट जो है वो अल्टरनेट करेगा यहाँ पर कभी कभी हमको बीच में सिंकोना का ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि उसका जो इंटरमीडियन करेक्टर है वो गायब हो जाए ठीक है तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये होता है ए फेब्राइल का नेक्स्ट इज़ द फेब्राइल वन सो फेब्राइल जो है वो चार तरीके की होती है और इसका ट्रीटमेंट भी हर जो टाइप है उसके हिसाब से अलग है इसके अंदर चार टाइप्स आ जाते हैं स्पोरेडिक एंड स्पुरेडिक और एपिडेमिक एंड नेक्स्ट इज नॉन एंडेमिक कह सकते हैं हम इसको ठीक है एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर वेयर नन आर एंडेमिक एंड थर्ड वन इज़ परनीशियस अटैकिंग इंडिविजुअल रिजाइडिंग इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट जिन जो मेंटेनिंग कॉस्ट बन जाता है इसमें और लास्ट जो है वो है एंडेमिक इन मार्शी डिस्ट्रिक्ट ओके सो ये फेब्राइल इसमें आपको फीवरिक स्टेज देखने को मिलेगी तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको करूँगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हर इंडिविजुअल जो है उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है अलग से आप कैसे केस चेकिंग लोगे क्या टोटेलिटी आप बनाओगे और फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है रिगार्डिंग द इंटरमीडियंट डिजीज व्हाट इज़ द डेफिनेशन व्हाट आर इट्स टाइप ओके एंड हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द टिपिकल एज वेल एज ए फेब्राइल वन ओके